हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड स्वस्थ हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए ब्लॉग में। और अभी बीमू सुबह सुबह देखिए तैयार हो चुकी है, अपना मेकअप वेकअप टचअप वचअप सब कर लिए हैं, लिपस्टिक वगैरह सब लगा चुके हैं, आप अपना बाल संवार रही है। गुड आफ्टरनून दोस्तों, ये गुड मॉर्निंग नहीं है, अभी शाम के 4 बज रहा है, 4:15। और अभी सुहाना स्कूल गई हुई है तो अभी आने ही वाली है, उससे पहले हम कुछ करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस प्यारे से ब्लॉग को हम शुरू करते हैं। अभी दोपहर के टाइम में थोड़ा सा आँख लग गया था मेरा, तो मैं सोई नहीं थी, बस आँख लग गया था। अभी मुँह धोने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि मुँह धोऊंगी उसी का निशान है, वो आँख लग गया था उसी का। ये हाँ नहीं, आँख लग गया था उसका निशान है, आँख में लग गया था उसका निशान है ये। अच्छा ठीक है, तो अभी ना बोलने भी नहीं देते आप, मैं क्या बोल रही थी। हाँ, तो मुझे मुंह धोती ना तो पूरा प्रॉपर क्रीम उरीम भी लगाना पड़ता, तो मैं मुंह नहीं धोई, बस थोड़ा सा लिपस्टिक लगा ली और रील्स बनाना था इसलिए थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिए। और अभी चलते हैं हम किचन में, कुछ बनाते हैं स्पेशल। ठीक है, हस्बैंड जी का मन कर रहा है आज पकौड़ा खाने का, वो भी बहुत तीखा। वो बहुत तीखा, तीखा इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। नो, हरा मिर्च खा सकते हैं, हरा मिर्च खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए सुहाना आ चुकी है स्कूल से और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है, बैग आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और देखिए अभी ये ऊपर है जो कि खोल नहीं पाएगी सुहाना। देखिए धकलो धकलो, ओहो क्या बात है सर, वेलकम वेलकम बैक होम सर, वेलकम। ये क्या है सर? ये क्या है? फूल वाला ब्रेसलेट, और साथ में बुनू भी आई है। बुनू क्या लेके आई हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, ये बहुत भारी है ना, ये मुझे दे दो। बाप रे, कितना भारी लोग मुझे। एक कौन बना देते बोलिए? हाँ, जो पहले रहती है ना इस रूम में। हाँ, कौन? अनुष्का दीदी। हाँ हाँ, वही बना कर रोज देंगे। रोज देंगे? हाँ। वाह, तो सुहाना आ चुकी है स्कूल से और सुहाना का बैग मैंने ले लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं सुहाना मामा के पास जाती हुई, मामा के लिए फ्लावर ला दिए। थैंक यू। क्यों तोड़ती हो फ्लावर इतना डेली का डेली? मत तोड़ो, ठीक है? फ्लावर अच्छा लगता है। ये हुई ना बात, बाप को थमा दिए ये स्कूल बैग और मामा के लिए फ्लावर। हाय, क्या क्या है ये, क्या है ये? लेकिन मत तोड़ना फ्लावर, ठीक है? पौधा में अच्छा लगता है पेड़ में, ठीक है ना? अब आ चुके हैं किचन में, शाम के वक्त है, मतलब सुबह का बड़ा सा सब्जी है, उसको गर्म करके पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे अपना स्पेशल। ये देखिए, ये खेसारी का दाल को मैं दी थी भिगोने, 4-5 घंटा हो गए हैं, मतलब 9-10 बजे के करीब दी थी, अभी 4 बज गया, 6 घंटा हो गया, 6 घंटा ये फूल गया। अब इसको हम पीस के बनाएंगे पकौड़ा, फिर उसको डालेंगे हम करी में। आपके साथ हम रेसिपी शेयर करेंगे क्या मैं साथ पीछे। सब्जी में कुछ ही नहीं है, सब्जी में जान ही नहीं रहता आजकल, मतलब मैं ऑनेस्टली रिव्यू बता रहा हूँ। अभी आजकल जो बीमू खाना बनाती है वो टेस्टी नहीं होता है दोस्तों, ये सच्ची बात है। मतलब आजकल मैं जब खाना खाता हूँ ना तो मुझे लगता नहीं है कि मैं बीमू का हाथ का खा रहा हूँ, मुझे लगता है मैं कहीं आई हूँ ही खा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आजकल मैं प्रेशर में रहती हूँ एग्जाम की वजह से। ओहो, अच्छा एक्सक्यूज था, वाह व्हाट अ बहाना, बहाना भी ऐसा निकालो कि कोई कुछ बोल ही ना पाए। है ना, तो कब एग्जाम खत्म हो रहे हैं आपकी? अब एक ही बाकी रह गया है ना? नहीं, दो बाकी है। हाँ। और वो एक हफ्ते में खत्म होगी, मतलब तो एक हफ्ते तक हमको ऐसा ही खाना है शायद। समझ गए। इसमें है दही जिसका बनेगा करी बड़ी, और ये बनने से पहले ही मैडम के चेहरा मुस्कान है। इतना पसंद है करी बड़ी, मुझे लगा आप कुछ बोलेंगे दही के नाम पे। इसमें दूध है, वो भी दिखा दीजिए। हाँ, उसमें दूध है, सही बात। देखिए ये है यादव जी के लिए, दूध दही जिंदाबाद, दूध दही जिंदाबाद, दूध दही जिंदाबाद, दूध दही जिंदाबाद। मैं बोलूंगी तो आप भी बोलेंगे, कमेंट भी आएगा कि आप लोग बोलते हम जातिवाद नहीं है, जात का नाम नहीं लेते हैं, तो क्यों यादव यादव बोल के चिरा रहे, तो बोलेंगे नहीं हम यादव हैं, हम खाएंगे दूध दही। जाओ, तो हम भी तो मस्ती है बोलते, कौन सा आपके साथ जंग लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। हम भी मस्ती में बोलेंगे, हम खाएंगे, हम यादव हैं, हम मस्ती में नहीं, हम सीरियसली बोलेंगे, हमारे जीन में दूध दही है, हम दूध दही खाएंगे।
तो मेरा क्या जाता है, खाओ खाओ और मोटी हो जाओ। तो अभी ये लोग खाना खाने लगे सोना स्कूल से आने के बाद। थोड़ा सा चावल था बचा हुआ दिन का, तो खा रहे हैं ये सब्जी। थोड़ा सा बोलेंगे अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है, सारा खा जाएंगे। अच्छा हो ना हो, अब तो खा लेंगे। मुझे पता था ये बोलेंगे यही कि ऑप्शन नहीं है, क्या करें ना। तो अभी तो मैं करी खाऊंगी, आप तो खाएंगे नहीं, तो आप क्या खाएंगे बता दीजिए। इसलिए मैं नहीं करी बनाती हूँ, मुझे दो दो तीन तीन टाइप का चीज़ बनाना पड़ता है। जिस दिन मैं करी, वैसे करी में बहुत टाइम लगता है। करी बनाओ, फिर उसका पकौड़ा बनाओ, फिर पकौड़ा को डालो, उसको बनाओ, टाइम लगता है। फिर लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी खाने का मन करता है तो मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे सिलबट्टा पे हम आ गए पीसने के लिए, और इधर ये लोग खा रहे हैं। आपको दिखाते हैं हम क्या सब पीस रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिलबट्टा पे आ गए, इसमें है दाल, चिकन एक पाव, ठीक है ले आइए, दोनों ही खाएंगे। आप करी बड़ी खाओ, जाइए ले आइए, जाइए ले आइए। तो यहाँ पे देखिए ये फूला हुआ दाल, 6 घंटा फूला है ये खेसारी का दाल। और इसमें डाले हम अदरक और ये लहसुन, इसको पीसते हैं हम, ठीक है। हाँ, काफ़ी कमेंट रहता है कि इसको छीलते क्यों नहीं, ये काफ़ी छोटा छोटा है, मतलब बड़ा वाला लहसुन नहीं है। इसको छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, छोटा 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 बहुत ज़्यादा रहता है। और वैसे ये पेट में अच्छा ही होता है, मतलब पेट साफ रखता है इसका छिलका, अगर खाए छिलका के साथ। तो इसको पीस देते हैं तो ये एकदम फाइबर की तरह होता है, ये पेट में अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इसलिए हम पीस ही देते हैं, अच्छा लगता है। तो करी बड़ी वाली देखिए अपने लिए पीस रही है ये, और चेहरे का एक्सप्रेशन क्यों ऐसा है, कमर दर्द कर रहा है। अभी सुहाना की मम्मी देखिए यहाँ पे किचन में कुछ कर रही है, क्या सुहाना की मम्मी को से बोलने लगे आप आज से। तो अभी सुहाना की मम्मी किचन में काम कर रही है, और हम सुहाना के पापा चल रहे हैं मार्केट। 10-20 रुपए है मेरे पास, उससे कुछ होगा तो हम लेते आएंगे, नहीं होगा तो वापस फिर चले आएंगे। क्या खाएंगे सब्जी, आप वही लेते आइएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए करी बड़ी बन रहा है, आप तो करी बड़ी खाते नहीं है। तो मेरे लिए भी होगा डिसाइड, मैं भुजिया रोटी खाऊंगा। क्या आपका भुजिया भिंडी का? हाँ। भुजिया रोटी हाँ। खा लेंगे हाँ। ठीक है, तो फिर कल के लिए आप कुछ सब्जी लेते आइएगा, परवल ले लीजिएगा। तो अभी हस्बैंड चले गए हैं मार्केट, और हम किचन में पकौड़ा के लिए सारा कुछ रेडी कर लिए है। देखिए इसमें दाल पीस के लिए आए है, ये प्याज काटे, ये हरा मिर्च, और ये हरा मिर्च ज़्यादा तीखा नहीं है, जो बच्चा बच्चा होता है, बच्चा मेरा मतलब जो ज़्यादा मैच्योर नहीं होता, जो ज़्यादा तीखा नहीं होता है, वो वाली मिर्ची है, छोटा छोटा वाला। और उसके बाद ये अजवाइन मसल कर डाल दिए, नमक, ये धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला हो तो गरम मसाला, या फिर किचन किंग डाल लीजिए, और थोड़ा सा ये काला नमक, इतना चीज़ को हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम कढ़ी के लिए भी थोड़ा सा फ़ौरन रेडी कर लेते हैं, और इसमें मैं इतना चीज़ डालती हूँ पकौड़ा में। अगर आप सब इसमें कुछ एक्स्ट्रा डालते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अगली बार मैं ट्राई करूँगी वो भी चीज़ डाल के जो आप लोग इसमें एक्स्ट्रा डालते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी हम डालते हैं, वो भूल गई थी, तो चावल का आटा डाल दिया। अभी इसको हम सारे को मिक्स कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पर तेल डाल दिए, तेल गर्म हो चुका है, और अब हम यहाँ पर डालते हैं पकौड़ा का साइज अपने हिसाब से बनाइए, छोटा या बड़ा। थोड़ा सा मीडियम साइज मुझे अच्छा लगता है। ये बन गया पकौड़ा, इसको हम निकालते हैं इसमें। तो इधर हमारा पकौड़ा बन गया, और हस्बैंड जी भी आ गए। तो कहाँ है सब्जी, सब्जी कहाँ है? नहीं, ये दांत दिखा रहे हैं, सब्जी बोल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पकौड़ा बन गया, मैं ये आस्ते आस्ते कर रही हूँ कि आप सब्जी ले जाएंगे तो इसी कढ़ाई में पहले आपके लिए सब्जी बना देंगे, उसके बाद में बनाऊंगी ये। जो बनाऊंगी आज वही खाएंगे। अच्छा ठीक है, पहले बताइए हुआ क्या? नहीं कुछ अच्छा ही नहीं लगा, घूम घाम के आगे मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा। वरना परवल ले लेते ना, परवल भी अच्छा नहीं था। बताइए, इनसे सब्जी भी नहीं खरीदा जाता, साग ले लेते कुछ नहीं मिला तो। अपने लिए एक पाव एटलीस्ट चिकन ले लेते। हाँ क्या फुलूस, क्या फुलूस, फुलूस दादा क्या? तो वापिस आ गए हम, पता नहीं अब ये क्या खाएंगे, मेरा टेंशन बढ़ गया। मैं भुजिया बना लूंगी, भिंडी का आलू का भुजिया बना लेते हैं, काटी भी नहीं, मुझे लगा ये सब्जी लेके आएंगे।
तो ये है करी के लिए मसाला, इसमें है चावल का आटा, वैसे इसमें डालते हैं वो भी बेसन भी। बेसन का अलग टेस्ट रहता है करी का, लेकिन ये चावल का अलग रहता है। मुझे चावल वाला अच्छा लगता है। अगर आप लोग बेसन वाले खाए हैं, चावल के आटे वाला नहीं खाए हैं, तो एक बार ये भी ट्राई। पे पकौड़ा बन गया और ये है करी के लिए मसाला, तो इसमें ये सब डालेंगे। चावल का आटा, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक, थोड़ा सा गर्म मसाला, बहुत कम, ठीक है। इसमें आप बेसन डाल के भी बना सकते हैं। इसको हम घोट बना लेंगे इसे। कैसा लग रहा है? ये नहीं। आपके पापा बोल रहे थे आजकल अच्छा खाना नहीं बन रहा, आप बताओ खा के कैसा है पकौड़ा? अच्छा है पकौड़ा। पकौड़ा बोले कैसा लगा? तो बोले अच्छा लगा। कौन बोले? पापा। आप पूछिए। तो यहाँ पे ये घोल बन गया। पकौड़ा कैसा बना है? जला दिए हुआ देख लिए, थोड़ा बहुत उसमें लग गया है, मैं वो काम करने लगी थी, लेकिन अच्छा है। उसको मैं डालूंगी ना उसमें, थोड़ा सा टाइट टाइट रहता है तो कड़ी में अच्छा लगता है। क्या नहीं टूटेगा? हाँ, तो आपको ये जो नहीं जला था वो वाला लेना था ना? कुछ ना कुछ ये खामियां निकालते रहते हैं, सारा खा गए, वैसे खामियां निकालते निकालते सारे खा लेते हैं। नहीं सच्ची बताओ, आजकल आपका एग्जाम चल रहा है, बहुत अच्छा एग्जाम चल रहा है, इसलिए वैसे खाना बिगड़ रहा है। नहीं है, वो चीज़ नहीं है, बहुत अच्छा बनता है खाना। तो इसको ये बना लिए हम कड़ी के लिए। यहाँ पे तेल है वही वाले, थोड़ा सा रह गया। कहाँ जा रहे हैं? तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा तेज पत्ता, थोड़ा हरा मिर्च, थोड़ा लाल मिर्च, थोड़ा प्याज। पहले हरा मिर्च लाल मिर्च को डालेंगे। अब डालेंगे ये प्याज, थोड़ा सा नमक डाल दिया, नमक डाल के इसको पकाएंगे, जल्दी पक जाएगा। तो यहाँ पे अभी फोरन बन गया और इसको हम इसमें डाल देंगे। और इसको बॉईल होने तक पकाएंगे। ये अच्छे से खोल गया एकदम। यहाँ पे दही को मिला के रखे हैं, दही डालेंगे इसमें। ये खट्टा वाला दही है, हाथ से मिला के उतना अच्छा से मिल नहीं पाता है, लेकिन टेस्ट ठीक रहता है। इसको एक खोल आने देते हैं, एक बॉईल। बॉईल आ गया है, अभी इसमें डाल देंगे हम ये पकौड़ा और इसको बस एक मिनट के लिए पकाएंगे। एक मिनट फुल फ्लेम पे पकने के बाद इसको हम बंद कर देते हैं। ये बन गया हमारा कड़ी बड़ी, तैयार हो गया है बनके। अब इसमें जो ये तेज पत्ता सब है, ये मिर्ची सब, इसको हम निकाल देते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट अब इस रस में, इस करी में चला गया है। तो इसको हम अभी छान के निकाल देते हैं। इसमें से निकाल दिए हम और ये रहा हमारा करी बड़ी बनके हो गया तैयार। इसको अभी हम निकाल के इस पे रख लेते हैं। और ये इसमें जितना रस घुसना था ये घुस गया, अभी और कुछ घुसेगा तो ये बहुत गर्म है, अभी ये अपने आप इसमें से ये और गढ़ा हो जाएगा। अभी ये पतला है, अभी ये ठंडा होगा तो और गढ़ा हो जाएगा। आप सबको ठंडा होने के बाद हम दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी ये देखिए, ये थोड़ा सा गढ़ा भी हो गया है। अभी मैं आप सबको दिखा दूँ कि कैसा बना है ये, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा भाई, जिनको पसंद होगा उनको देख के ही मन कर रहा होगा कि खा लूँ। देखिए कितना अच्छा बन गया, अच्छे से इसमें रस भी घुस गया है, करी भी घुस गया है पकौड़ा में, और करी भी थोड़ा सा गड्ढा हो गया है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा करी। यहाँ पे बन रहा है हस्बैंड जी के लिए भुजिया, और इधर हमारा आटा भी गुन गया है। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि देखिए बाहर में टंट्रन, अभी बस 6 बजा है, मतलब 6:30 के बाद ही आजकल सूर्यास्त भी होता है,
और आज इतना सवेरे, कभी कभार मेरा इतना सवेरे खाना बन जाता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि रात को ना एकदम लेजी लेजी लगता है, सवेरे खाना बन जाता है तो अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा दही में रख ली, बस थोड़ा है खाने के लिए, ऐसे ही सब लोग खा लिए और मैं लास्ट में खा रही हूँ यही करी बड़ी चावल, और ये थोड़ा सा सूखा रखा था वो, और मैं भूल गई थी वीडियो बनाना, सॉरी दोस्तों। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है सच में, भूल गई थी वीडियो बनाना। सारा ख़त्म भी हो गया, देखिए इसी बाटी में रखे थे ना, इसी बर्तन में, और ये ख़त्म हो गया। फ्लैट में भी सब लोगों को थोड़ा थोड़ा दे दिए।